नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीपीसीएल यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। अगर आप लोग बीपीसीएल में एक भी शेयर होल्ड करते हो या फिर पैसे इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीपीसीएल के नेक्स्ट टारगेट के बारे में। तो बात करते हैं बीपीसीएल के बारे में। अभी शेयर का जो करंट प्राइस है 331 रुपये पर ये शेयर ट्रेड कर रहा है। आज के दिन मार्केट में अपन लोगों को ऑलमोस्ट 4 रुपये तक की तेजी देखने मिली है, 3 रुपये 80 पैसे की तेजी देखने के लिए मिली है। मार्केट आज जम के साथ खुलता हुआ दिखाई दिया था। एक मार्केट में आप लोगों को यू कर्व भी आप लोगों को रिवर्स यू कर्व देखने के लिए मिला था, जिसके संकेत में आप लोगों को पर्सनली अपना ओपिनियन मतलब मेरे को खुद लगा था कि बीपीसीएल यहाँ से आप लोग को नीचे की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन आप लोग देखें तो इस शेयर में एक अच्छा जंप लिया, अप्रोक्स 12:50 के आसपास इस शेयर में एक काफ़ी तेजी हम लोग को देखने को मिली थी। और मार्केट बंद होते होते एक तरीके से हम लोग बुलिश मूवमेंट में मार्केट बंद होते हुए दिखाई दिया और मार्केट 331 रुपये पर आज बंद होते हुए दिखाई दिया। आज के दिन की हाई के बारे में बात करें तो 333 रुपये पर यह शेयर टच करता हुआ दिखाई दिया था। कल के दिन इस शेयर में क्या देखने के लिए मिलने वाला है, तो अभी हम लोग शॉर्ट टर्म बात करते हैं तो कल के दिन इस शेयर में आप लोग को देखिए एक रेजिस्टेंस है शेयर का 334 का। कहीं ना कहीं आज के दिन में इसको 334 पर इस शेयर ने एज अ रेजिस्टेंस यूज़ किया था, जिसके चलते इस शेयर में आप लोग को डाउनफॉल भी देखने के लिए मिला था। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है, अगर कल के दिन ये शेयर 334 के प्राइस को ब्रेकआउट दिखा देता, 334 प्राइस के ऊपर खुलता हुआ दिखाई देता है, तो आप लोग को इस शेयर में एक बहुत ही अच्छी तेजी देखने के लिए मिलने वाली है। अगर हम लोग पैटर्न के बारे में बात करें तो ड्रैगन पैटर्न आप लोग को इस शेयर बनता हुआ दिखाई देगा, हेड एंड शोल्डर वाला। और इस तरह के शोल्डर पैटर्न में आप लोग को ऑलमोस्ट मान के चले 350 तक ये शेयर अभी आप लोग को दोबारा देखने के लिए मिल जाएगा। बुलिश मूवमेंट आप लोग को इस शेयर में देखने के लिए मिलने वाली है। आरएसआई वैल्यू पे हम लोग देखते हैं, आरएसआई इंडिकेटर पे आप लोग को बुलिश मूवमेंट का ही संकेत दिखाता है दिखाई दे रहा है। कैंडल के ऊपर ध्यान दें तो कैंडल पे आप लोग को बुलिश एंगल फिल कैंडल बनते हुए दिखाई दे रही है। सीधा सीधा संकेत ये रहेगा कि अगर आप लोग 334 के ऊपर मार्केट कल के दिन खुलता हुआ दिखाई मार्केट कल के दिन जाता हुआ दिखाई देता है, कल के दिन यानी कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में आप लोग को 334 के ऊपर खुल चलते हुए दिखाई देता है, तो बीपी शेयर में आप लोग को एंट्री ले लेनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम इस शेयर का जो टारगेट रहने वाला है वो रहेगा 350 का। और यहाँ पर आप लोग को एक तरीके से अगर 350 के प्राइस को टच करके नीचे की तरफ डाउनफॉल दिखाता है तो कहीं ना कहीं हेड एंड शोल्डर का पैटर्न आप लोग को इस शेयर में देखने के लिए मिल जाएगा। आप लोग का बीपीसीएल पे क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और कमेंट सेक्शन में ये भी जरूर बताएं कि कितने शेयर आप लोग बीपीसीएल के होल्ड कर रहे हैं। बस गाइस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बहुत ही अच्छा लगता है जब कोई वीडियो को लाइक करता है और चैनल को सब्सक्राइब करता है। मैं मिलूंगा जल्दी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे, सी यू सून। इस वीडियो में मैंने जितना कुछ बताया है वो सिर्फ एक एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से बताया है, मेरा किसी भी इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग से कोई संबंध नहीं है। आप लोग का पैसा आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको अपने रिस्क और अपने एनालिसिस पर इन्वेस्ट कीजिए। धन्यवाद।